चलो देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये तीन क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स पर। एक क्वेश्चन आप लोगों को सीखना है, दो आप लोगों को आ सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर स्टेशनरी आर स्टैंडिंग वेव्स। मैंने आप लोगों को बताया ये तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रिंग, जैसे कि वायलिन में होता है, गिटार में होता है, तार होती है दोनों साइडों से बंद, उसमें आप लोग प्लग करते हो आवाज आती नहीं आती, तो उसी को बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रिंग। एक ये दूसरा है क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ए क्लोज्ड आर्गन पाइप। आर्गन पाइप का मतलब होता है फ्लूट, बांसुरी, लेकिन बांसुरी जो है वो दो तरीकों से होती है। यहां पर बोलते हैं आर्गन पाइप, क्या बोलते हैं आर्गन पाइप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब हम उसको एयर ब्लो करते हैं साउंड निकलती है, उसको यहां पर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आर्गन पाइप। आर्गन पाइप दो तरीकों से होती है, एक होती है, एक आर्गन पाइप होती है क्लोज्ड आर्गन पाइप, एक होती है ओपन आर्गन पाइप। क्लोज्ड आर्गन पाइप का मतलब है एक एंड बंद होता है, एक एंड खुला होता है। लेकिन ओपन आर्गन पाइप में आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, ओपन आर्गन पाइप के दोनों एंड यहां से भी खुला होता है, यहां से भी खुला होता है, उसको बोलते हैं ओपन आर्गन पाइप। कितनी आर्गन पाइप है हमारे पास, दो, एक क्या है क्लोज्ड आर्गन पाइप, दूसरा क्या है। कितने क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स पर हमें, कौन कौन सा, पहला क्या है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रिंग, इन ए स्ट्रिंग। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन एन इन ए क्लोज्ड आर्गन पाइप, और तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन एन ओपन आर्गन पाइप। और इन तीन क्वेश्चनों में मुझे लगता है एक क्वेश्चन आए फाइनल, इन तीन क्वेश्चनों में, चाहे ओपन आर्गन पाइप आए, चाहे क्लोज्ड आर्गन पाइप आए, या स्ट्रिंग आए, तो इनको देख लेना। लाइट नहीं है, लाइट सारे आ, चलो देख लीजिए। अब सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना है स्टेशनरी वेव्स होती क्या है। जब तुम लोगों को स्टेशनरी वेव्स आएंगी तब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। देखो मैंने परसों आप लोगों को बताया प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जो वेव ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते थे प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं, ए वेव विच ट्रेवल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम वन पॉइंट टू, दैट वेव वी कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। और मैंने प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन भी निकाली है, वो मैं आगे बताऊंगा, इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं, कौन सी टर्म इनमें यूज होती है। इधर सुनिए, अगर मैं एक प्रोग्रेसिव वेव बहुत दूर तक दिखाऊंगा ऐसे, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन। क्या बोलते हैं, ट्रेन की तरह है ना, आगे बढ़ रही, प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन। और इधर देख लीजिए, ये चलती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर की तरफ चल रही है, ठीक है बेटा।
अगर दूसरी प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन, ये जरूरी इतना क्वेश्चन है, एक आप लोगों को जरूरी समझना ही समझना, ये खुद में ही आप लोगों को समझ आएगा पढ़ने से। दूसरी वेव ट्रेन वो भी प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन ही है, लेकिन वो भी ट्रेवल करती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है, इधर देख लीजिए, यहां से यहां की तरफ अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन चल रही है। दूसरी वेव ट्रेन जिसका एम्पलट्यूड, जिसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी सेम है बराबर इसका, ये तो एक वेव ट्रेन, अंडरस्टैंड करना। मैंने दूसरी वेव ट्रेन लाई, वो भी प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन है, उसका एम्पलट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल करते हैं तो बनती है फ्रीक्वेंसी, सेम है इसके जैसे, लेकिन वो भी ट्रेवल करती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन वो भी ट्रेवल करती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी तक ये लेफ्ट से राइट आ रही थी, अब कौन सी दूसरी वेव ट्रेन क्या आ रही है? दोनों वेव ट्रेन्स का क्या क्या सेम? एम्पलट्यूड, फ्रीक्वेंसी या शाबाश। और ये अब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। नहीं, मैंने परसों बताया था सुपरपोज, सुपर इम्पोज होना। क्या बोलते हैं? जो मैंने पढ़ाया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स में, ये दो वेव ट्रेन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक नई वेव बनती है जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। क्या बोलते हैं? याद रखते नहीं हो? क्या बोलते हैं? किन के सुपर इम्पोज करने से रिजल्टेंट वेव बनेगी? दो प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम, ट्रेवल अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ए न्यू वेव इज फॉर्म, ए न्यू वेव इज फॉर्म, न्यू वेव इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेव विच डज नॉट अपियर टू मूव एट ऑल। बात सुनिए बेटा, ये एक वेव ट्रेन है, ये दूसरा वेव ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, ट्रेवल करती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज कर रही है एक दूसरे के ऊपर। उससे क्या होता है? जब दो वेव सुपर इम्पोज करेगी, मैंने परसों दिखाया भी आप लोगों को, नई वेव बनती है जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। क्या बोलते हैं? वो बन गई तीसरी वेव। क्या बन गई? That wave we called as resultant wave. जो resultant wave बनेगी, that resultant wave does not appear to move at all. जो तीसरी wave बनेगी ना, इन दो का result, मान लीजिए वो यहां पर मैं दिखाऊंगा, वो resultant wave, ये दो तो आप लोगों को ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, जो तीसरी wave बनी इनका resultant wave, वो आप लोगों को ये लगता है आप लोगों को ऐसे मुंह कर रही है, ये लगती है आप लोगों को ऐसे मुंह कर रही है, लेकिन द रिजल्टेंट वेव विच इज द थर्ड वन डज नॉट अपियर टू मूव एट ऑल, इट अपियर्स टू बी एट रेस्ट, इट अपियर्स टू बी एट, ये हमें दिखाई देता है ये चलती नहीं। ये कौन सी वेव? किन दो की? दो प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन, जो ये तीसरी वेव है विच डज नॉट अपियर टू मूव एट ऑल, दैट वेव, दैट रिजल्टेंट वेव वी कॉल्ड एज विच अपियर्स टू बी एट रेस्ट, विच अपियर्स टू नॉट मूव फ्रॉम एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्टेशनरी और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब हुआ रुकी हुई वेव, स्टेशनरी वेव का मतलब हो गया जो कि लगता है किस पर है? रेस्ट पर। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कौन सी वेव? स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। व्हाट इज नाउ स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव? मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे, फिर मैं टाइप्स बताऊंगा। इधर सुनिए, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन्स, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन्स Having same frequency and same amplitude, traveling along the same direction, traveling along the same straight line,
but in opposite direction. Superimpose on each other. Superimpose on each other. A new wave is formed. That wave is called the resultant wave, which does not appear, which does not appear to move at all. That resultant wave is called as stationary wave or standing wave. स्टेशनरी वेव का मतलब ही है वो वेव जो रुकी हुई है, जो चलती नहीं है, जो लगती है किस पर है। शाबाश बेटा, खुशी, बताओ फटाफट, व्हाट इज स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव? व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग ट्रैवलिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आप बता दीजिए। Superimpose on each other such that a new wave is formed that is known as resultant wave and which appears to be not moving at all and that resultant wave is known as stationary or standing wave. बिल्कुल ठीक। एक मिनट इधर देख लीजिए बोर्ड की तरफ। जब दो वेव सुपरइंपोज करेंगे, मान लीजिए ये एक वेव ऐसे चल रही है, एक वेव यहां से आ गई और इन्होंने ऐसे सुपर इंपोज किया, ऐसे सपोज। इधर देखो, मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि बाद में मुझे यूज करना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन आज एक कम से कम एक खत्म होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, एक वेव ये वेव ट्रेन ये है, दूसरा वेव ट्रेन ये है। कुछ पॉइंट्स एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। जो इधर देख लीजिए, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, इस मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। इस पर जितने भी पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट, वो रेस्ट पर होते हैं। वो किस पर होते हैं? इधर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, और यहां पर जितने भी पार्टिकल्स है यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम। यहां जीरो, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रेस्ट पर, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर। दोज पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम इन ए स्टेशनरी वेव और इन ए स्टैंडिंग वेव, याद रखो, दोज पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम आर कॉल्ड नोड्स, आर कॉल्ड क्या बोलते हैं? किनको? दोज पार्टिकल्स इन ए स्टेशनरी वेव एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम आर कॉल्ड। इधर देखो, बार नहीं देखो आप लोग, क्या बोलते हैं इनको? शाबाश। दोज पॉइंट्स, अब देखो, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये भी नोड है, ये सारे क्या है? दोज पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड्स, आर कॉल्ड एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? अब तुम लोगों को पता होना चाहिए, इन ए स्टैंडिंग वेव और इन ए स्टेशनरी वेव नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड। व्हाट आर नोड्स? इन ए स्टेशनरी वेव दोज पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज जीरो आर कॉल्ड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड। दोज पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंटी नोड्स, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, और ये भी एंटी नोड है। रिमेंबर, एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना ही रखना है, तुम लोगों को पता है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है,
अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ लेंगे क्या बनती है? वेव। क्या बनती है? वेव। और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है वेव की लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ, वेव लेंथ। शाबाश बेटा, वेव लेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब सुनो, यहां से यहां तक, इधर देख लीजिए, यहां से यहां तक है लैम्डा, क्योंकि लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। कितनी है यहां? अब सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से अगर मैं एक और वेव लूंगा और ये दोनों वेव को सुपर इंपोज कराऊंगा, ये दो वेव्स है, एक नहीं है, एक यहां से यहां गई, उधर से वापस आई। अब मुझे बताओ आप लोग, नोड कितने बने, एंटी नोड कितने बने? दो नोड, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। एंटी नोड कितने? एंटी नोड दो। ए एंटी नोड बन गया, ये बन गया एंटी नोड। और एक पॉइंट आप लोग, पूरी लेंथ कितनी है वेव की? लैम्डा। अब यहां तक कितनी है? आधी है ना वेव, तो कितना हुआ? शाबाश बेटा, याद रखना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? शाबाश। अगर मैं एक नोड से एंटी नोड तक डिस्टेंस मापूंगा तो वो कितना होगा? हाँ, याद रखना, इसका भी आधा हो गया लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन में मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बता दीजिए, एक इनको बोलते हैं कंजुगेटिव नोड्स। क्या बोलते हैं? इस नोड और इस नोड को कंजुगेटिव बोलते हैं, एक दूसरे के बाद। इस नोड और इस एंटी नोड और इस एंटी नोड को क्या बोलते हैं? शाबाश। मुझे बताओ, दो कंजुगेटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? दो कंजुगेटिव एंटी नोड्स के बीच में भी डिस्टेंस कितनी होती है? एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितनी? मगर लगाता, तुम लोग बोलोगे ये नोड और ये एंटी नोड, वो नहीं, नोड के बाद जो एंटी नोड आएगा उन दोनों के बीच, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स इज कॉल्ड। समझ आया यहां तक? स्टेशनरी वेव समझ आया क्या है? अब बेटा हम क्वेश्चन पर जाएंगे, ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का, और क्वेश्चन है, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग